हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, बीएड और बीटीसी के बाद एक और नया विवाद जो था सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला मंगलवार को सुना दिया गया। कई ऐसे छात्र थे जिन्होंने कमेंट करके लगातार ये पूछ रहे थे कि जो डीएलएड अभ्यर्थी 18 महीने का कोर्स करके बैठे हैं, क्या उनको सरकारी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा या नहीं। तो आपको बता दें, बीएड और बीटीसी विवाद के बाद जो 18 महीने का डीएलएड और 2 साल के डीएलएड की बात चल रही थी, उसका फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया है, जिसमें 2 जज थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया। उसमें थे जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के द्वारा इस फैसले को सुनाया गया। आपको मालूम होगा, नैनीताल जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से 18 महीने के डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि 18 महीने का जो एनआईयूएस डीएलएड कोर्स होता है, वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है। तो जो अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर पूछ रहे थे कि 18 महीने का डीएलएड कोर्स 2 साल के डीएलएड कोर्स के बराबर होना चाहिए या नहीं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में फैसला सुना दिया है। अब 18 महीने का जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, वह सरकारी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते, इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है मंगलवार के दिन। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगलवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने साफ साफ यह बताया था कि जो 18 महीने का डिप्लोमा होता है, जिसको एनसीटी की तरफ से जारी किया गया था, जब उन्होंने कोई अधिसूचना जारी ही नहीं की थी, अर्थात जब ये 18 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया था, उस समय इस बात को नहीं बताया गया था कि जो 18 महीने का कोर्स है वो सरकारी शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त है या नहीं, तो फिर हम इसको पूरी तरह से अवैध मानते हैं और इसको बाहर करते हैं। तो 18 महीने के डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो यह उम्मीद लगाए थे कि क्या उनको सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा या नहीं, तो अब उनको सरकारी शिक्षक बनने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब उन्हें 2 वर्ष का जो रेगुलर डीएलएड होता है वही करना होगा। अगर रेगुलर डीएलएड आप लोगों ने कर रखा है, तभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, 18 महीने के डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब कई ऐसे अभ्यर्थी थे कि जो पूछ रहे थे कि जो सीटेट के आवेदन चल रहे हैं, क्या इसमें एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी के आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसको लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने आ गई है कि जो एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड किया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीटेट का जो प्रमाण पत्र होता है, कह सकते हैं जो सीटेट की जो परीक्षा होती है, उसमें वो लोग अपीयर हो पाएंगे या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, वो लोग आवेदन नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग इसमें अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि जब उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, तो किसी आधार पर इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे साफ शब्दों में लिखा होता है जब आपसे कोड भरवाया जाता है कि 2 साल का डिप्लोमा या इसके समकक्ष, या फिर बीएड, या फिर जो भी आपके पास टीचिंग का जो भी सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, जो भी हो आपके पास, वो चीजें मांगी जाती हैं, तो फिर वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस चीज को लेकर आप लोग काफी सवाल कर रहे थे, तो ये खबर जो थी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काफी बुरी है जो 18 महीने का डीएलएड कोर्स करके काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें बैठाए थे। तो ये पूरी खबर पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, सीटेट न्यूज.com पे जाके, सीटेट न्यूज.com आपको गूगल पे सर्च करना है, और डोमेन पे जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको पहले ही खबर दिख जाएगी, बीएड और वर्सेज बीटीसी न्यूज, जो बीएड के बाद अब डीएलएड अभ्यर्थी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से किए गए बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, पूरी खबर आप यहां से जाके पढ़ सकते हैं। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर कोई आपकी राय है तो वो भी कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।